हमारे सियासतदान अजीब हैं, दाढ़ी नहीं पकड़ाते, धोती पकड़ाते हैं। सहाफी मतीउल्लाह जान ने अपने प्रोग्राम के दौरान होने वाली एक सियासतदान की गुफ्तगू पर तबसरा कर दिया। सहाफी मतीउल्लाह जान ने अपने एक प्रोग्राम का जिक्र करते बताया कि आईनी तरमीम पर बात करते पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल ने गुस्से से कहा था कि हम सियासतदान अपनी दाढ़ी जजों के हाथ में नहीं दे सकते। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदान अपनी दाढ़ी तो जजों के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अपनी धोती जर्नैलों के हाथ में देकर चलते बनते। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। सहाफी मतीउल्लाह जान ने बिलाल भुट्टो के बयान पर भी तनकीद की। बोले कि बिलाल भुट्टो की वफाकी आनी अदालत के लिए वो बहुत अजीब है। उन्होंने कहा जहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना की 1931 के एक बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने वफाकी अदालत के कायम की बात, लेकिन यहाँ बिलाल भुट्टो के नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद कायद आज़म के उस बयान का इदराक तक न रहा, इसीलिए उन्होंने 1973 के आयन में यह बात शामिल नहीं की। बिलाल भुट्टो की मंतक भी समझ नहीं आती। मतीउल्लाह जान ने कहा कि 1931 में तो शायद कायद आज़म को भी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान बनने जा रहा है। तस्वुर पाकिस्तान तो 1940 में आया था। मतीउल्लाह जान ने कहा यह पहली बार है कि जजेस हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। पहली बार अदलिया अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात कर रही है।